नमस्कार बच्चों, कैसे हाल चाल? सभी शुरू करें अपनी बात। सभी से रिक्वेस्ट है एक बार सभी लोग आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, फिर हम आगे उड़ाते हैं अपनी बात को। आज फिर से एक एमटीएस का पेपर शुरू करेंगे। चलिए, सभी लोग तक तो मेरी बात पहुंच रही होगी आई होप। चलिए शुरू करें सभी लोग। दीक्षा मेरे बच्चे नमस्कार, सलमान वालेकुम असलाम, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना प्रॉपरली? शुरू करते हैं अपनी बात को। सो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। तो स्टार्ट करें बच्चों। साकिब ऑफलाइन वो ऐप की क्लास में क्यों नहीं पहुंचे थे भाई? और ये सलमान भी थोड़ा आया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डांट दिया, गायब हो गया ये। हैं? क्यों भाई? गलत बात है ये, इट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। सबको रहना चाहिए क्लास में, इट्स नॉट गुड। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए 29 सितंबर से, यानी कि आज से। कंप्लीट बैच जीएस का 29 सितंबर से, 29 से, ये भी आज से। डाउट आप चाहें तो पूछ सकते हैं। डाउट इन सॉल्यूशन के फीचर पर जाइए, वहां पर इमेज डालिए, क्रॉप करिए और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे वहां डाल दीजिए। सॉल्यूशन आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। अनअकैडमी का सबसे बेहतरीन ऐप का फीचर क्या कि आप टीचर से डायरेक्ट बात करिए। आप पूछने के लिए कोई कमेंट वमेंट नहीं लिखना, तो सीधे बात करो, ये अपने आप में जलवेदार है, ठीक है। और कहीं ज्यादा बेटर है ऑफलाइन से, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, कोरोना है, आपके बगल में कोरोना बैठा होगा, कैसे कैसे ही करोगे, है ना? आपको तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर उपाय यही है कि आप क्या रहें, इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें कि इस बात का ख्याल रखें कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करें भीड़ भाड़ वाली जगहों को, है ना बच्चों? क्योंकि अभी भी जो है वो कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो रेज योर हैंड आप कर सकते हैं, लेकिन पेड बैचेस में होगा ये। सेप्टेम्बर ऑफर 8 मंथ्स, 2 साल पर, 6 महीने पर, 2 महीने और 1 साल पर, 4 महीने फ्री मिलेंगे अगर आप एसएससी का कोर्स लेते हैं, ठीक। अगर बैंक और एसएससी दोनों का लेते हैं कोर्स, 2 साल का तो 12 महीने, 1 साल का तो 6 महीने आपको फ्री मिलेंगे। एसएससी कॉम्बैट 50 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस, 1 करोड़ का पूल है। और ये रही रैंक्स, जैसी रैंक्स होंगी उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अग्नि 10 कोड यूज करिएगा, ठीक है। चलो सभी लोग प्रॉपरली मुझे सुन पा रहे हैं, कोई समस्या? सलमान साहब को इमरजेंसी काम आ गया। इमरजेंसी कौन सा था काम? है सुबह 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 जो करते हैं इमरजेंसी काम, वो तो नहीं था कि कोई और काम था इमरजेंसी? भाई इमरजेंसी पढ़ाई से ज्यादा क्या इमरजेंसी हो सकता है? या तो वो सुबह सुबह वाली नित्य क्रियाएं जो है वो करनी होंगी, वो इमरजेंसी मान सकते हो, बाकी कोई और इमरजेंसी नहीं है। और वो भी इमरजेंसी है तो फोन तो वहां भी ले जाया जा सकता है, फोन तो वहां भी ले जा सकते हैं, तो ये गलत बात है। ये इमरजेंसी के बहाना मार के ना चीजों को छिपाओ मत, समझ गए? ये गलत चीज है। सर खीस को जानते हो? खीस क्या होता भाई? अच्छा साइलेंट नाम से हैं आप, ओके गुड। ये बात तो मुझे शायद सलमान ने बताई थी कुछ दिनों पहले, ये बात तो मुझे सलमान ने कुछ दिनों पहले बताई थी। खीस कौन है भाई? चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को आगे।
सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स के लिए 7800, 12 मंथ्स के लिए 6500, 6 मंथ्स के लिए 5400 आपको पे करना होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट करना चाहते हैं 10%, तो कोड करें यूज अग्नि। पाइन के दूध का, अच्छा तो वो पीने गए थे क्या? चलिए, अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो मी ऑन एकेडमी ऐप, मेरा रेफरल कोड अग्नि10। कोर्स चल रहा है कौन सा? कंप्लीट कोर्स एसएससी मेंस का। कहां पर? ऐप पर। सुबह 6 बजे क्लास होती है, जब दुनिया सो रही होती है तो आप उस समय क्लास ले रहे होते हैं, उसका मजा ही अलग है। कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश 11 बजे होती है ये क्लास, ठीक है? आप सबने अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास ली थी 9:30 से, तो वो 11 बजे खत्म हुई थी, 11 बजे शुरू हुई थी, और 11 बजे क्लास खत्म करके अभी ये क्लास शुरू करी। चलिए, आज दीक्षा कुछ ज्यादा खुश नजर आ रही, क्या बात है? आज एक और गिफ्ट मिल गया क्या बर्थडे का है? चलिए पेपर शुरू करें। ऐसे बच्चा ग्रेट, हमें तो सुल्तान की याद आती है, सुल्तान समझते? सुल्तान एक भैंसा है जो हरियाणा में था, 21 करोड़ की बोली लगी थी उसकी। तो वो इस दुनिया में रहा नहीं, दिल का दौरा पड़ने से उसका देहांत हो गया। तो कहते सर आप समझ ही नहीं। मैं समझ रहा हूं भैया, सब समझ रहा हूं, कैसे समझूं मैं तुम्हें? चलो दिल से दिल की बात है, कभी अकेले में समझा देना, कई बार गुस्से में नहीं कहते तुमको समझाना पड़ेगा साइड मिले जाके, तो कभी साइड मिले जाके समझा देना। चलो कोई बात नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। चलिए, प्रिया हैज बीन वर्किंग इन द स्कूल फ्रॉम जून 2017। बताओ मेरे बच्चों, इस सेंटेंस में आपको जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो इस पार्ट में लाना है, ये वाला पार्ट सुधारना है। तो जरा सुधार के दिखाओ क्या आएगा इसमें आंसर, ये पार्ट सुधार। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। गुड आफ्टरनून सिन्हा साहब, बड़े दिलवा दर्शन दिए, कहाँ थे? मिलते जुलते रहा करो, मिलने से प्यार बना रहता है। ये देखो सलमान कह रहे आप समझ नहीं रहे, मुझे समझाएंगे, औलादें समझाने लगी हैं। बताओ औलादें तो बाप को समझाएं, ये टीचर को समझाएं, तो समझ लो भैया स्थिति बड़ी खतरनाक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम समझा लो, हम समझने के तैयार है, अकेले मत समझाना बस। सिंस जून 2007 पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, इट इज व्हाट पॉइंट ऑफ, बात क्लियर? अच्छा बहुत बढ़िया, आगे चलते भी बात पर। अगला वर्ड है वर्सेटाइल, द वर्ड इज वर्सेटाइल, इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है? कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मजाक की बात थी, चलो ध्यान दो भैया। वर्सेटाइल, इनसिंसियर, ऑनेस्ट, इनफ्लेक्सिबल, ट्रुथफुल। दीक्षा का आंसर आ गया, ये लड़की पढ़ाई वढ़ाई करती है कि नहीं करती है? कैसे करती है यार, दिन भर तो क्लास लेती है, आंसर तो देखो जबरदस्त आते हैं, क्या बढ़िया है, पढ़ाई तो करती है। मैंने तरक्की करते बहुत बच्चों को देखा है, दीक्षा को बड़ी तेजी से इम्प्रूव करते हुए देखा। एक महीने डेढ़ महीने पहले जब ये पहली बार क्लास में थी, तो एट द टाइम द रिस्पॉन्स वॉज वेरी डल, नाउ इनक्रेडिबल, अतुलनीय। हाँ जी बेटा, वर्सेटाइल का मतलब होता है कई गुण,
गाना भी गा सकता है, डॉक्टरी भी कर सकता है, टेलरिंग भी कर सकता है, खाना भी बना सकता है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर। अब बताओ आंसर क्या बनेगा, उल्टा बताना है, मतलब फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबल है तो कई सारी चीजें कर सकता है, लेकिन इनफ्लेक्सिबल है, सिर्फ एक ही काम कर सकता है, जो पढ़ा सकता है, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं खाना भी नहीं बना सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता सिर्फ पढ़ाने के। तो दिस इज वॉट इनफ्लेक्सिबल, आई एम नॉट वर्सेटाइल, सो दिस इज वॉट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। अगर इसका सिनोनिम पूछा जाए तो क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल। और एक वर्ड और नोट कर लीजिए, प्लायबल। प्लायबल का मतलब भी क्या है, फ्लेक्सिबल। बात क्लियर? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, टच ऑल बेसिस। बस मेरे साथ ना झूठ नहीं बोलना कभी भी। मैं आपको मानू, चाहे वो दीक्षा हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो साकिब हो, मैं आपको मानू आप अच्छा कर रहे हो और आप डिक्शनरीज वगैरह से चीटिंग कर रहे हो, वो चीज बहुत, ये नहीं करना कभी भी, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि मैं एक हिदायत दे रहा हूं, कभी ऐसा करना नहीं, नुकसान होता है बेटा इससे खुद का। टच ऑल बेसिस, हाँ बेटरिन बेटा बन सकता है उसका, क्यों नहीं बन सकता है, वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये नहीं कि वो कई चीजों में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हो जाता है वो। चौथा तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ अभी, चलो। टच ऑल बेसिस यानी कि सभी चीजों को टच कर रहे हैं, सभी चीजों को टच कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब सभी चीजों को टच कर रहे हैं, यानी कि इंक्लूड एवरीथिंग, इंक्लूड एवरीथिंग। बात क्लियर? चलो बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ड इज किट, सिनोनिम देना है इसका, एलिमेंट इक्विपमेंट पार्टिकल इंफॉर्मेशन। टूल किट याद है तो कुछ याद आ जाए शायद आपको। चलो आंसर दो, तो घड़ी छोरी से है, मेरे पास सारे नोट्स हैं। चलो आंसर बताओ, बढ़िया, विश्वास बनाए रखें, चीजें बढ़िया होंगी जरूर। चलिए शुरू करें, किट का इसके अंदर टूल किट, तो किट का मतलब इक्विपमेंट, आंसर बने। ठीक है, एलिमेंट, अवयव इसको हिंदी में कहते हैं, कोई पदार्थ भी हो सकता है, और पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल, कण वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, पैसेजेस आपके सामने आने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा पैसेज है। पैसेज बेटा पढ़ना जरूर, कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, पूरा पैसेज पढ़ लेना। और पढ़ने से क्या होगा कि आपको पैसेज का आइडिया लगेगा किसके बारे में है। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ बेटा, मेरी कोई बात ऐसी नहीं होती कि मैं आपको सिर्फ जो है अपना नंबर बनाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि दो काम कर लो, एक तो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो उसका टेंस पता चल जाएगा, वो हमें बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा क्या है कि आप पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा किसके बारे में आइडिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर बेटा कर्मयोद्धा से अब चीजें आगे बढ़ गई हैं, कर्मयोद्धा के बाद बहुत कुछ और भी बदल गया है। ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहा, क्या कह रहे हो यार, ऑप्शन तो पूरा दिखाई दे रहा है, कैसे कह रहे हो नहीं दिख रहा है, फुल ऑप्शन है वहां पे।
है बच्चों, ऑप्शन पूरा दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इट इज क्लियरली विजिबल, सबको दिख रहे हैं ना ऑप्शंस पूरे। तो ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन्ड डैश एम्परर अशोका इन द 3rd century BC। इट्स न्यूक्लियस डैश अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। इट वॉज क्राउन बाय छतरी, छतरी जो ऊपर छतरी लगती है ना, अ पैरासोल लाइक, पैरासोल का मतलब जो ये अम्ब्रेला होता है, सिंबलाइजिंग हाई रैंक विच वॉज डैश टू ऑनर एंड शेल्टर द रेलिक्स। बिल्कुल सिंपल है। चलो, क्योंकि किसने बनाया था, एम्परर अशोका ने बनवाया था इसे, तो बाय। ठीक, अगला क्वेश्चन। इट्स न्यूक्लियस डैश अ सिंपल हेमेरिथिम स्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर, बताओ। अब बेटा यहां तुम्हें मिलेगा क्या, पास्ट का सेंस, क्योंकि पूरा पास्ट में चल रहा है। इसका जो केंद्र है तो क्या होगा, इट्स न्यूक्लियस क्या वॉज, क्योंकि सिंगुलर था, गेव तो है हो नहीं सकता, कुछ दिया नहीं है, कैप्ट भी नहीं है, वर भी नहीं है, वॉज। चलिए आगे बढ़े। इट्स न्यूक्लियस वॉज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट डैश द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, किन के ऊपर बनाए गए हैं अभी आपको डिसाइड करना है। बताओ बच्चों जल्दी से आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ओवर, बिल्कुल सही, के ऊपर बनाए गए हैं ना। अगला, इट वॉज क्राउन्ड बाय छतरी अ पैरासोल लाइक, पैरासोल लाइक बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, स्ट्रक्चर, कंडीट का मतलब होता है अ ट्यूब जिससे कुछ चीज पास होती है, गैस वगैरह पास होती है ट्यूब से, वो ठीक। दीक्षा साहू, लाइक की बल की स्पेलिंग क्या होती है सर? करेक्ट मेरे बच्चे, ये बात तुम मेरे साथ साथ दूसरी बार पूछ रहे हो, ये बात जान लो, इसको यही जान लो, नहीं तो फिर निकल जाएगा हाथ से। लाइकेबल भी सही है और लाइकेबल भी सही है। अब क्लियर कर दूं, ये अमेरिकन इंग्लिश खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका कैलिफोर्निया वगैरह में यूज होता है, और ये लाइकेबल ये ब्रिटिश है, गलत कोई भी नहीं है, हम लाइकेबल को प्रेफर करेंगे बस। बात क्लियर, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन। पैरासोल लाइक स्ट्रक्चर सिंबोलाइज द हाई रैंक विच वॉज इंटेंटेड आउटलाइन इनफॉर्म्ड प्रिडिक्टेड, क्या आंसर होगा बताओ जरा दिल्ली से।
नाइन्थ का इंटेंटेड उद्देश्य, क्या उद्देश्य उसको बनाने का, सम्मान देने के लिए, और रेलिक्स को जो अवशेष है उनको क्या ढकने के, उनको शेल्टर देने के, छाया देने के लिए। तो इंटेंटेड का मतलब उद्देश्य, ठीक है। और आउटलाइन का मतलब है टू डिस्क्राइब, ये बढ़िया वर्ड है नोट कर लीजिए, डिस्क्राइब मेन फैक्ट्स, बाकी तो सिंपल ही है ना। चलिए पूरा पैसेज हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर बताइए जनरली से, बताइए मुझे। एक मिनट का टाइम दीजिए बस। चलिए बच्चों, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सही, रिजेंबल एक ऐसी वर्ब है मेरे बच्चों जिसके आगे प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो क्या गड़बड़ था, बी फॉर बॉम्बे पार्ट, बात क्लियर। बी फॉर बॉम्बे पार्ट आपका जो था वो गलत था। आगे बढ़े, चलो अगला। द बैट्समैन हिट द बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री, पैसिव वॉइस बनाना है, जरा बनाओ इसका, क्या बनेगा पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 11, हैड हिट पास्ट परफेक्ट में है तो हैड बीन हिट होना चाहिए था, तो कहां है, कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है सी फॉर कैट, यही आंसर हो गया। कीर्ति आज्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द मूवी ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट, बच्चों ये हैड वॉच्ड ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट का उल्टा क्या होगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रीवियस नाइट लिखा है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पे जाना चाहिए, और प्रीवियस नाइट को कैसे बदलना चाहिए, लास्ट नाइट में, तो जहां जहां ये बदला है वहीं आंसर बन जाएगा आपका। देखो 12th का आंसर क्या हो सकता है, जरा जल्दी से बताओ। जल्दी से देखकर आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, डिड के साथ वॉच्ड कैसे हो सकता, गलत। कीर्ति आज्ड मी यू हैड वॉच्ड, ये भी गलत, और हैड यू वॉच्ड तो ये भी गलत, तो आंसर एक ही होगा, सिर्फ सी फॉर कैट। नेबुलस, एंटोनिम बताना नेबुलस का, जरा बताइए मेरे बच्चों एंटोनिम क्या होगा नेबुलस का, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेबुलस का मतलब होता है बेटा ओपेक या वेग या नॉट क्लियर, इसका उल्टा क्या होगा, क्लियर। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, हाँ जी बेटा ठीक है, म्यूचुअल का मतलब सहमति से, और कॉमन तो मतलब आपको पता है फैमिलियर का मतलब ये जान परिचय है जिससे वो हमारी,
सिनोनिम बताना है एनोडाइन का, इसका मैंने एक बार निमोनिक्स भी तैयार किया था, एनोडाइन सिनोनिम बताना। इसका मैंने एक बार निमोनिक्स भी बताया था तुम लोगों को पुराने जहां मैं पढ़ाता था पहले। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका निमोनिक्स मैंने क्या बताया था, एनोडाइन। सेंसोडाइन दर्द को कम करता है, तो जो दर्द को कम करता है वो हार्मफुल तो हो नहीं सकता, हॉस्टाइल मतलब भी दुश्मन से रिलेटेड है तो ये भी नहीं हो सकता, जायगेंटिक विशाल होता है ह्यूज तो ये भी आंसर नहीं बन सकता था। आंसर क्या होना था, बेनाइन। आंसर क्या होता था, बेनाइन यानी कि हार्म लेस। क्या होगा आंसर, हार्मलेस। क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ा जाए। ठीक है चलिए। The police was able to find the guilty, but the big fish escaped. Idiom बताना है। This is idiom के बारे में बात करेंगे। Big fish, बताओ big fish का मतलब क्या होता है? Male leaders, plump man, मोटा आदमी, large size ones, tall people, क्या आना चाहिए? Hostile का भैया मतलब बताओ। अभी आप लोगों को हॉस्टल का मतलब बताना, एक बच्चे ने पूछा हॉस्टल का मतलब क्या होता है, ये बात कई बार हो चुकी है क्लास में, जरा बताइए सब लोग हॉस्टल का मतलब क्या होता है। क्लास में कई बार हो चुका है। दुश्मन बिल्कुल ठीक है, एनिमी कह सकते हैं आप इसे। दुश्मन एडजेक्टिव है एक्चुअली, ये पीपल नहीं, पर ये तो कुछ और आ गया, ये हॉस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे, ये एडजेक्टिव होता है दुश्मन के जैसा। ठीक चलिए, तो बिग फिश का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा, मेन लीडर्स। चलो अर्थक्वेक इंस्पेक्शन डैश द टू एंसिएंट बिल्डिंग दैट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विदस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब कंपन। बताइए आंसर क्या बनेगा। सिक्सटीन का डी, बिल्कुल सही, रिवील्ड। ठीक है, जो एंसिएंट बिल्डिंग थी दैट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा का अटैक याद है आपको, हिरोशिमा का जब अटैक हुआ था तो पूरा जो है दुनिया में भूचाल आ गया था, मतलब क्या है, दुनिया भर में इसके बारे बात हुई थी, लेकिन जापान जो है हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। तो लिखा हुआ है दैट टू एंशिएंट बिल्डिंग दैट रिमेन इंटैक्ट, मतलब उन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, डैमेज नहीं हुई थी, आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विदस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर। ठीक, बात क्लियर हुई। तो यहां पर आंसर क्या देना था, रिवील्ड। रिट्रैक्ट का मतलब होता है गलत कहा गया था उसको सही करना, जो झूठ कहा गया था
उसे सही करना। जैसे ही रिट्रैक्टेड द फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसने क्या कर लिया, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी उसे ठीक कर लिया। तो रिट्रैक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विथ स्टैंड का मतलब है जो बहुत स्ट्रांग होता है। ओ डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। ग्रामेटिकल एरर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। तो वन ऑफ लिखा है मेरे बच्चों, वन ऑफ द, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है कि नहीं? सो वन ऑफ द चैनल नहीं, इट इज वन ऑफ द चैनल्स। क्या बात, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आप सबने घड़ी का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा। देखा है, एक 12 बजते हैं यहां से, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छ, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, 10 और 11, ऐसे बजा होता है। बीच में घड़ी की सुई होती है। अब आपने देखा होगा कि घड़ी का एक कांटा 10 पर होता है और एक यहां पर 10 पर होता है। आपने देखा ना ऐसा बना हुआ, क्यों होता है ऐसा? यहां पर घड़ी का लोगो होता है ना? जब 10:10 होंगे तो छोटा कांटा 10 पर होता है और बड़ा कांटा 2 पर होता है, तो 10:10 होता है ना? आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है मुझे? क्यों एडवर्टाइजमेंट में घड़ी में 10:10 दिखाए जाते हैं? बच्चों ये वही समय था जब हिरोशिमा या नागासाकी, किसी एक की बात हो सकती है, जब हिरोशिमा या नागासाकी पर बम गिराया गया था। जब हिरोशिमा या नागासाकी पर बम गिरा था तो ये वही समय होता है, उसको उसकी याद में कि इतना बुरा समय था, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कि ऐसा दोबारा कभी ना। समझ में आया? समझे मेरी बात कि नहीं? अब अच्छे, ऐसा मैंने सुना है, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि मैं कंफर्म नहीं कह सकते बात सही है, मैं कंफर्म नहीं इस बात पर मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में। एक बार आप जरूर कंफर्म करिएगा, फिर मुझे जरूर बताइएगा। मैं श्योर नहीं हूं, आप किसी जीएस के टीचर से पूछना ज्यादा बेटर होगा। मैं श्योर नहीं कह सकता इस मामले पर ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। ऐसा मैंने देखा है कहीं, तो आप जरूर से ध्यान करिएगा, एक बार खुद भी पता करिएगा, मुझे बताइएगा कि ऐसा सच में है या ऐसा नहीं है। ठीक, वैसे मुझे जहां तक लगता है ऐसा कुछ है, बाकी आप क्लियर करिएगा। हो
हो सकता है आपने कुछ और सुना हो बेटा, कंफर्म करिएगा फिर मुझे बताइएगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पर, फिर भी ऐसा मैंने कहीं सुना है। सिलेक्ट द, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के मामले में मैं बात कर सकता हूँ, इन पर नहीं कर सकता। सिलेक्ट द वर्ड इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, पैंसिव, एप्रीहेंसिव, मेडिटेटिव, अपेंडेड, विच वन इज द रॉन्ग वन, चलो बताओ जल्दी से। एक ही स्पेलिंग गलत है, बाकी सब सही है। बताओ जल्दी से, सभी लोगों ने आंसर देना है। सभी लोग आंसर दो। चलिए शुरू करते हैं। पैंसिव का मतलब और मेडिटेटिव का मतलब, दोनों का मतलब होता है थॉटफुल, ठीक है। मेडिटेटिव में आई आ जाएगा यहां पर। एप्रिहेंसिव का मतलब होता है वरीड, कि भविष्य में कुछ गलत होने वाला है। अपेंडेड का मतलब होता है अटैच्ड, जुड़ा हुआ है। बात क्लियर, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन एज अ वुमेन लीडर व्हाट आर सम ऑफ द मेजर कॉन्टेस्ट क्रैशेस क्रंचेस चैलेंजेस, क्या बताइए। सिंपल है, आराम से दे देंगे आंसर। बताइए, बिल्कुल सही। चैलेंजेस, कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। क्रैशेस का मतलब होता है कोई टक्कर हो जाए, ठीक है वो, और एक मतलब इसका ये होता है लाउड नॉइज, एक मतलब ये होता है कोलैप्स या फॉल, जैसे प्लेन क्रैश हो गया ऐसा। क्रंचेस का मतलब ये नॉइज होता है एक तो, या अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन। बात क्लियर, चलिए। द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड गिवन दैट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, बताओ इसमें किस पार्ट को ठीक करना है। मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, इस पार्ट को ठीक करना है, मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, बताओ। सही है ये? नहीं नहीं बेटा, अब्राहम लिंकन की मौत 10:15 पे हुई थी बेटा, ये नहीं, 10:15 पे हुई थी उनकी मौत। हिरोशिमा नागासाकी वाला मैंने कहीं पढ़ा है इसलिए मुझे लगा ऐसा। बाकी आप लोग देखना, अपने उन टीचर से पूछो जो जीएस पढ़ाते हैं, उनको पता होगा बेसिकली, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज होता है इस मामले में। मोस्ट ऑफ ऑल इनसाइक्लोपीडिया टाइप होते हैं सारे, बहुत नॉलेज रखते हैं, और मैं तो जितना जानता हूँ बेटा, ये ज़बरदस्त नॉलेज होता है उन लोगों को, क्योंकि पूरा जो है सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, रोज पढ़ाते हैं जीएस, तो बहुत अंडरस्टूड बहुत चीज़ें होती है। चलिए तो बताइए जरा जल्दी से क्या आंसर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है उसको प्रायोरिटाइज करना ही चाहिए निश्चित तौर पर, तो आंसर बेटा कुछ नहीं करना, नो इंप्रूवमेंट कर देना।
सिलेक्ट द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, प्रोपेंसिटी, ससेप्टेबल, इम्प्रेजनेबल, इम्पैकेबल. एक वर्ड है सही है, बाकी सब गलत है. बताइए. कौन सा वर्ड सही है? ये कल प्रोपेंसिटी तो हमने कल ही पढ़ा है, कल ही वर्ड डिस्कस हुआ है. जरा जल्दी से दो आंसर. चलिए, प्रोपेंसिटी की स्पेलिंग में यहां सी की जगह एस आएगा. ससेप्टेबल अलग से लिखना पड़ेगा, एस यू एस सी ई पी, ससेप्टेबल बस. और इंप्रेशनेबल में भी अलग से लिखना पड़ेगा एक बार, आई एम पी आर ई एस एस आई ओ एन ए बी एल ई. इम्पैकेबल सही था, इसका मतलब इसमें कोई कमी ना हो, फ्लॉलेस. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हमारी पसंद. पसंद, लाइकिंग, ठीक है, प्रेफरेंस जिसको आप कह सकते हैं, इंक्लाइनेशन. कल इसके लिए हमने एक वर्ड भी पढ़ा था. चलिए आगे बढ़े. चलिए, स्मॉल रूम्स वेयर डिशेज आर वॉश्ड, जहां पर बर्तन धोए जाते हैं, स्कलरी, पैंट्री, एंट रूम, लार्डर. बताएं जरा जल्दी से. एंट रूम सामने का रूम, सामने का कमरा. पैंट्री और लार्डर दोनों एक है, जहां खाना रखा जाता है, वेयर फूड इज स्टोर्ड. स्कलरी, जहां बर्तन धोए जाते हैं. तो दिस इज योर आंसर. अगला, चलिए जंबल सेंटेंस एक बार रीड करिए, फिर आंसर करेंगे हम लोग. जंबल सेंटेंस एक बार रीड करिए, बहुत अच्छा जंबल सेंटेंस है, आप ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करेंगे. हाँ जी बेटा, एक बार अच्छे से रीड करिए. आंसर तो जल्दी से रीड करो, पहला कौन सा हो सकता है? शाहिद अफरीदी की बात चल रही है इसमें, सचिन तेंदुलकर की बात चल रही है, वकार यूनिस की बात चल रही है. देखो मेरे बच्चों, जब शाहिद अफरीदी पहली बार 1996 में खेलने आए तो उनके पास ढंग का बैट भी नहीं था. वकार यूनिस ने उनको बैट दिया, और वो बैट किसका था? सचिन तेंदुलकर का था, जो वकार यूनिस को गिफ्ट किया था सचिन ने, ठीक है. उसके बाद क्या, वकार इंस्टेड गिव इट टू अफरीदी, हु वेंट ऑन स्कोर 37 सेंचुरी. और उसी से फिर क्या हुआ, 37 बॉल की सेंचुरी भी बनी. तो बेटा आंसर क्या होगा, CBDA. बहुत ही अच्छी बात थी. चलिए बढ़े आगे. फॉर एप्पल, पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी चीज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अटेंशन कह लीजिए या अट्रैक्शन कह लीजिए, आकर्षण का केंद्र. बिल्कुल सही मेरे बच्चों, साइन इज योर आंसर होगा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साइन इज योर, बहुत अच्छा. अगला, फिर हमारे पास एक जंबल सेंटेंसेस है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में.
आंसर दीजिए। एक मुस्लिम मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी भी सुनाऊंगा आपको, बहुत अच्छी सी है, आपको मजा भी आएगा उसको सुन के। क्या बात है, बहुत बढ़िया, दीक्षा ने सबसे पहले आंसर दिया। सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन ओपन ए हेयर कटिंग सैलून, वॉज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक हेयर कटिंग सैलून खोला और अपने कस्टमर्स का स्वागत के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ, बींग द फर्स्ट डे, पहले दिन लॉट ऑफ पीपल केम अमंग देम वाज अ मेन मैन इन अर्ली 50s विद फ्लोइंग बियर्ड। उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी सी थी, 50वें दशक में, 50वें दशक की शुरुआत में था वो। तो ए और डी, और फिर बाकी ऑलरेडी क्लियर है, आपके सारे बन गए, तो सी फॉर कैट। कहते हैं खुरासान, खुरासान जो मिडिल ईस्ट में है, मुल्ला नसरुद्दीन जैसे भारत में बीरबल सबसे होशियार थे, मुल्ला नसरुद्दीन खुरासान मिडिल ईस्ट में बड़े होशियार व्यक्ति थे। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सुने गया बड़े बच्चों, बड़े कमाल की चीज है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने पड़ोसी और उनके पड़ोसी पर उनमें काफी जो है वो अनबन सी रहती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का जो है बड़ा सम्मान करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने पड़ोसी के घर गए और उनसे कहा कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आपके बर्तन चाहिए कुछ। तो जो मुल्ला नसरुद्दीन का पड़ोसी था वो नसरुद्दीन से चिढ़ता था, लेकिन उसने कहा चलो कुछ बर्तन ही तो मांग रहा है, ले लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कुछ बर्तन जो है मुल्ला नसरुद्दीन को उनके पड़ोसी ने दे दिए। जब वो बर्तन लेकर मुल्ला नसरुद्दीन घर आए तो उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो कुछ दिन वो बर्तन जो है वो अपने घर में रखे रहे, कोई पड़ोसी कोई मेहमान मेहमान आने वाला नहीं था। कुछ दिनों तक बर्तन घर में रखने के बाद जब वो पड़ोसी को बर्तन वापस करने गए, जब वो पड़ोसी को बर्तन वापस करने गए तो पड़ोसी ने उनको दिए थे 5 बर्तन, सपोज 5-6 बर्तन दिए थे, लेकिन जब वो वापस करने गए बर्तन, तो क्या कंडीशन थी, बहुत सारे बर्तन लेकर गए, 5-6 बर्तन लाए थे, 15-20 बर्तन वापस करे। तो जब 15-20 बर्तन वापस करे तो उनके पड़ोसी ने कहा कि मैंने तो यार तेरे को 5 ही बर्तन दिए थे, तुम इतने सारे बर्तन वापस क्यों कर रहे हो। तो कहने लगे तुम्हारे बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, तुम्हारे बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। पड़ोसी बड़ा खुश हुआ, कह रहा बर्तनों ने बच्चे दिए, इतने सारे बर्तन हो गए, बहुत बढ़िया बात है। तो उसने कहा ठीक है लाओ रख दो सारे, ये कह के मुल्ला नसरुद्दीन चले गए। उसके बाद क्या हुआ, महीना 2 महीना बीत गया, मुल्ला नसरुद्दीन फिर गए और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा भाई मेहमान आने वाले हैं, बर्तन चाहिए। उनका पड़ोसी बड़ा खुश हुआ बर्तन के नाम पर, कि यार पहले 5 गए थे, 15 वापस आए थे। तो उसने उसको कहा कि लो सारे बर्तन ले जाओ तुम। तो नसरुद्दीन ने कहा नहीं कुछ ही चाहिए। तो पड़ोसी ने कहा नहीं नहीं सारे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन सारे बर्तन ले आए, अपने घर में रख लिए। फिर महीना गुजरा, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, बर्तन वापस नहीं किए नसरुद्दीन ने। अब पड़ोसी एक दिन आया, कहता भैया 4-5 महीने से बर्तन ले रखे हैं, बताओ बर्तन मेरे वापस करो। तो नसरुद्दीन ने कहा तुम्हारे सारे बर्तन मर गए, तुम्हारे सारे बर्तन मर गए। पड़ोसी ने कहा ऐसा भी कहीं होता बर्तन मरते हैं कहीं। तो कह रहे याद करो जब बर्तनों ने बच्चे दिए थे, तो जब वो बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं, तो तुम्हारे सारे बर्तन मर गए। पड़ोसी ने अपना सर पीट लिया, क्यों, क्योंकि उसने जब बच्चे पैदा हुए तो वो तो मान लिया था, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा बर्तन मर गए। तो ये थे मुल्ला नसरुद्दीन, इतना तेज दिमाग लगाते थे। तो दिस इज द थिंग, ये कमाल है दिमाग का जो लोग इतना तेज दिमाग लगाते हैं। हाँ तो बेटा यही बात है, दिमाग लगाओ बहुत कुछ तुम्हारा हो जाएगा, है ना। पढ़ाई करो टेक्नोलॉजी के बेस पर, करो चतुराई से, करो पढ़ाई, सब कुछ तुम्हारा है। और मैंने आपको चतुराई से ही पढ़ाई कराई है, मैंने आपको सिलेबस की तरफ कम खींचा है, मैंने आपको प्रीवियस पेपर दबा दबा के प्रीवियस पेपर कराया है, दनातन आपका स्कोर भी बढ़ेगा और हर चीज ऐसी लगेगी जैसे पढ़ी हुई है, समझ गए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों अगली क्लास में, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्यार
बहुत सारा आपका इसी तरह मेरे साथ बना रहे, मेरा प्यार तो आपके साथ है ही हमेशा। आशीर्वाद बनाए रखना मेरे बच्चों, जिंदगी में तरक्की होगी तो वो तुम्हारी दम पर होगी, खत्म होगी तो वो तुम्हारी वजह से होगी। तुम हो तो हर दिन मेरी होली है, हर दिन मेरी ईद है, हर दिन मेरी दिवाली है। थैंक यू मेरे बच्चों, लव यू ऑल, जिंदगी में खूब तरक्की करो, ठीक है? चलो शाम को 7:30 बजे ऐप पर आना ना भूले। हम ऐप पर क्या करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के करने जा रहे हैं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।